Oh, excuse me. You are excused. क्या हो गया? मैं कौन सा कुत्ता ले आया घर पे यार? दारू है ब्लैक डॉग, कुत्ता थोड़ी। हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमरन और ये है ब्लैक डॉग ब्लेंडेड विस्की। तो इसकी शुरुआत हुई 1883 में, जब ब्रिटिश वाइन सेलर एक, जो कि उस टाइम इंडिया में वाइन की सप्लाई करते थे, मिस्टर हर्बर्ट फ्लिप्सन, उन्होंने स्कॉटलैंड में जेम्स मैकेनले को विस्की के लिए ऑर्डर दिया। तो जब उन्होंने ऑर्डर डिस्पैच किया तो ये वो ब्लैक डॉग थी जो उस टाइम में इंडिया में आई। तो ब्लैक डॉग नाम के पीछे की हिस्ट्री सिंपल ये है, इसका नाम तो किसी डॉग के पीछे नाम पड़ा है, ना कोई उनका फेवरेट ब्लैक डॉग का कि जिसके ऊपर इसका नाम रख दिया गया हो। इसका नाम पड़ा मिस्टर फ्लिप्सन के फेवरेट फिशिंग फ्लाई के ऊपर। उन्हें एक्चुअली फिशिंग का बहुत शौक था, तो जो उनका फेवरेट फ्लाई था ना फिश पकड़ने के लिए जो यूज़ होता है, उसका नाम था ब्लैक डॉग। इसको ओन करता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो कि डियाजियो का एक सिस्टर कंसर्न है। तो ये है इसकी 375 ml की बोतल, ये छुटकू पैक है, मुझे फिलहाल मौके पे यही मिला। तो जो इसकी 750 ml की बोतल है वो हमारे चंडीगढ़ में आती है करीब 1200 से लेके 1400 के बीच में, और ये मुझे मिली 675 की। जब से स्क्वायर बॉटल से सिलेंडर की बॉटल पे आए हैं काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक लगने लगी है इसकी। तो 750 ml की बॉटल का मैंने बता दिया, ये आती है 1200 से लेके 1400 के बीच में, और इसमें अल्कोहल बाय वॉल्यूम आता है 42.8%। ये एक स्कॉच विस्की है बट इट इज़ बॉटल्ड इन इंडिया। कैफ काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा दे रखा है। तो इसकी पोरिंग करके इसको टेस्ट करते हैं। डिज़ाइन वेरी करता है कि किसी को कुछ पसंद आता है किसी को कुछ, बट वो स्क्वायर वाली बॉटल से ना वो चौड़े वाली बॉटल से ये मच बेटर है। ये इसकी लुक काफ़ी प्रीमियम सी लगती है और ब्लैक डॉग दूर से पहचानने में भी आ जाती है। हल्का हल्का ड्राई फ्रूट, थोड़ी सी ग्रेन की ज़्यादा आ रही है, एक हिंट ना ग्रेन का ज़्यादा है। जबकि उस मुकाबले में अगर बात करें इसकी, तो ये जो टॉप 10 सेलिंग विस्की है इंडिया में स्कॉच हैं, उनमें ये नंबर 5 से ऊपर ऊपर ही होगी, ये ग्रांटेड है। स्पाइसीनेस आ रही है अच्छी खासी, पीट मुझे कोई फील नहीं हुआ। एक बड़ा अच्छा ही वूडी सा टेक्सचर है, वूडीनेस के साथ साथ हल्का सा, बिल्कुल ही बहुत लाइट सा पीट भी फील हो रहा है। ड्राई फ्रूट में रेजिन्स और एक पियर का कॉम्बो सा फील हो रहा है कुछ। जैसे नोजिंग में उसका एक ग्रेनी सी स्मेल आ रही थी, बट पीने में उस तरह ग्रेनी कुछ नहीं है, काफी ज्यादा स्मूथ लग रही है। या मे भी हो सकता है कि मैंने बॉटल ओपन करते ही इसको नोज किया, इसलिए मुझे हल्का हल्का सा ग्रेनी सा और मेटेलिक सा नोट आया, बट पीने में ऐसा कुछ नहीं फील हुआ। बहुत ही ज्यादा स्मूथ, बहुत ही ऑसम विस्की है, नो डाउट कि टॉप 5 में होना इसका बनता ही है। और इसको तो ये भी कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली ये सबने पी होती है। बट अब थोड़ा माइंड उस तरफ लगा के ना कि क्या नोट्स आ रहे हैं, कैसी फील हो रही है, एक बार दोबारा ट्राई करना, ज़रूर आपको पसंद आएगी ये विस्की। बाकी इसको हमने काफ़ी इंडियन मूवीज़ में देखा होगा, अमरीश पुरी तो खास करके, वो एक बड़ा फेमस डायलॉग था उनका, ए आज शिवा श्रीगल नहीं ब्लैक डॉग हो तो लाओ। वो भी हाजिर है सर। ये देखिए, फैंटास्टिक, बोलो। श्योर। अमर यार आज क्या हो गया तुम्हें, शिवा सिगल की जगह ब्लैक डॉग? जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ ना माधुर, मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं, उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ। क्या बात है। तो बाकी वीडियो के यही रैप अप करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। थैंक यू।